आज की सभा में उपस्थित मुंगेली के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, सम्माननीय माताओं बहनों, विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले मैं मुंगेली की भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति शाखा का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने यह व्यवस्था की है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका मिला। विशेष रूप से हमारे भारत स्वाभिमान के जो मुंगेली इकाई के अध्यक्ष हैं भाई श्री जेठमल जी, उनका बहुत आभारी हूं। हमारे उपाध्यक्ष हैं भाई श्री पदमचंद जी, उनका बहुत आभारी हूं। महामंत्री हैं श्री रविंद्र जी, उनका आभारी हूं। जो कोषाध्यक्ष हैं भाई श्री विजय जी, उनका बहुत आभारी हूं। हमारे संरक्षक डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक और दूसरे संरक्षक श्री श्रीकांत जी, उनका आभारी हूं। हमारे योग शिक्षक भाई श्री विवेक पाठक जी, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जो सभी सदस्य हैं भाई श्री प्रद्युम्न जी, अशोक जी, विवेक जी, भोजराज जी, अशोक गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी, भुवनेश जी, आकाश जी, प्रदीप जी और दुर्गालाल जी, इन सबका आभारी हूँ। यहाँ समन्वय भक्ति संस्था की तरफ से जो प्रस्तुति की गई उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। भाई श्री रविशंकर जी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भाई श्री नीलकंठ जी, सचिव श्री कमल किशोर जी, सह सचिव श्री सतपाल जी और जो कलाकार जी, जो कलाकारों ने प्रस्तुति दी, भाई पीर मोहम्मद, भाई संजय जी, भाई सुनील जी, भाई हरेंद्र, भाई तनवीर, भाई रघुवंश और मन संचालन श्री संजय भाई, बहुत आभार आप सभी का। जिनका नाम नहीं ले पाया उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये पहला लक्ष्य है और दूसरा लक्ष्य है कि भारत की जो गंभीर समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, इन सब समस्याओं का समाधान करना। एक तरफ हम चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक स्वस्थ हों और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमारा देश भी स्वस्थ हो। एक ओर हम चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक सुखी हों, दूसरी तरफ देश भी हमारा सुखी हो। यही दो उद्देश्य पूरे करने के लिए आंदोलन ये शुरू हुआ। आपके मन में सवाल आएगा कि भारत के सब नागरिकों को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करेंगे। उसके लिए हम सभी को योग प्राणायाम सिखाना चाहते और आयुर्वेद के बारे में उनको जानकारी देना चाहते। अगर हर व्यक्ति को आयुर्वेद के बारे में थोड़ी जानकारी हो और योग प्राणायाम करने का सभी लोग अभ्यास डालें तो हर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, निरोगी हो सकता है। इसलिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। आज की तारीख में 8 बजे तक योग कक्षा लगाते हैं और टेलीविजन चैनल के माध्यम से करोड़ों भारतवासी रोज उसे देखते हैं, सीखते हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि टीवी के माध्यम से योग कक्षाएं गांव-गांव लगाकर। हमें ये सवाल आ सकता है कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत है कि भारत इस समय बहुत बीमार है और भारत के लोग बहुत बीमार हैं और बीमार देश कभी तरक्की नहीं कर पाता। बीमार परिवार जैसे हो, कोई बीमार व्यक्ति हो, वो हमेशा विकास की दौड़ में पिछड़ जाता है। वैसे ही बीमार देश भी दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ जाता है। हमारा देश इस समय बहुत बीमार है। अपने देश की जो सरकार है इसके आंकड़े अगर आपसे मैं बात करूं, सरकार कहती है भारत की कि 120 करोड़ भारतवासी हैं कुल पूरे देश में, माने हमारी जनसंख्या 120 करोड़ है और इसमें 100 करोड़ लोग बीमार हैं। 80% आबादी हमारी बीमार है। इसको ऐसे समझिए कि भारत में कुल जितने परिवार हैं, अगर एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, ऐसे करीब 25 करोड़ के आसपास परिवार हैं और हर परिवार में 4 व्यक्ति बीमार है। बहुत खराब स्थिति है देश की।
और बीमारियां भी भयंकर हैं, जैसे 5,70,00,000 भारतवासियों को डायबिटीज का बीमारी है जो जल्दी ठीक ही नहीं होती, 4,80,00,000 भारतवासियों को हृदय रोग की बीमारियां, 8,00,00,000 भारतवासियों को कैंसर है जिसमें से हर साल 25,00,000 मर जाते हैं, 12,00,00,000 भारतवासी हैं जिनको आंखों के रोग हैं, किसी को मोतियाबिंद हो गया, किसी को काला पानी आंखों में काला मोतिया जिसको हम कहते हैं, किसी को रात में नहीं दिखता, किसी को दिन में नहीं दिखता, किसी को रंगों का अंतर पता नहीं चलता, किसी को रेटिनल डिटैचमेंट, ऐसी आंखों की बीमारियां 12,00,00,000 लोगों को है। 14,00,00,000 भारतवासी ऐसे हैं जिनको छाती के रोग हैं, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस। करीब 17,00,00,000 भारतवासी हैं जिनको घुटनों में दर्द है, जिसको हम गठिया कहते हैं, संधिवात कहते हैं, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, दो रुपया। पर हर समय बीमार रहे ऐसे 27,00,00,000 भारतवासी हैं जिनको हर समय सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, चिकनगुनिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया, मलेरिया, टाइफाइड, ऐसी बीमारी होती ही रहती है हर समय, ऐसे 27,00,00,000 है। और सबसे खराब बात है, अपने भारत में 40,00,00,000 माताएं और बहनें इतनी बीमार हैं कि उनके शरीर में खून की बहुत कमी है। खून की कमी की जो बीमारी है जिसको हम एनीमिया कहते हैं, वो भारत में 40,00,00,000 माताओं को है। और इस बीमारी के कारण परिणाम क्या निकलता है कि जो माताओं को खून की कमी है उनके जब बच्चे पैदा होते हैं वो सब विकलांग होते हैं, भूख से मरते हैं, तड़प तड़प के जिंदगी बिताते हैं। क्यों? क्योंकि जिस माँ के शरीर में खून की कमी होती है उस माँ के शरीर में सभी चीज की कमी होती है। उस माँ के शरीर में कैल्शियम कम होगा, उस माँ के शरीर में आयरन कम होगा, उस माँ के शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, उस माँ के शरीर में विटामिन की कमी होगी, उस माँ के शरीर में मिनरल्स नहीं होंगे, उस माँ के शरीर में हर तरह की कमी आती है। जब खून कम हो जाता है तो सब चीज कम हो जाती है, और खून कम होने से दूध भी कम होता है, और जिन माताओं को दूध भरपूर नहीं होता या नहीं बन पाता उनके बच्चे बिना दूध के मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं। बहुत दुखद स्थिति है अपने देश में, हर साल 56,00,000 बच्चे भूख से मर जाते हैं, जन्म लेने के थोड़ी देर बाद ही मर जाते हैं। एक तो वो बहुत कमजोर होते हैं क्योंकि उनकी माँ के शरीर में खून की कमी है, तो बच्चे भी कमजोर होंगे, वजन कम होता है, ताकत कम होती है, और शरीर से माँ के बाहर आने के बाद उनको पेट भर के दूध भी नहीं मिलता तो वो भूख से मर जाते हैं। हमारे देश में इससे भी ज्यादा खराब बात है कि हर साल 80 से 90,00,000 बच्चे मानसिक और शारीरिक विकलांग हो जाते हैं। आपको अगर अंदाजा लगाना हो तो एक साल में अपने देश में 2,38,00,000 बच्चों का जन्म होता है हर साल, और इसमें से 56,00,000 बच्चे भूख से मरते हैं, 80 से 90,00,000 बच्चे विकलांग होते हैं, शारीरिक और मानसिक विकलांगता आती है। माने हर साल लगभग हमारे 1,50,000,000 बच्चे जो देश का भविष्य हो सकते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। जो बच्चे शारीरिक और मानसिक विकलांग हो जाते हैं ना, वो पूरे जीवन भर देश के ऊपर बोझा हो जाते हैं, वो ना देश के लिए बहुत काम कर पाते हैं ना अपने लिए कुछ कर पाते हैं। और यही स्थिति पूरे देश में तब है जब हमें आजादी मिले हुए 64 साल हो गए, तो भी इतना बुरा हाल देश में। आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर इतनी बीमारियां क्यों हैं अपने देश में, कारण इसका क्या है? कारण इसका यह है कि बहुत गरीबी है अपने यहाँ भारत में, और 84,00,00,000 लोग किसी भी तरह की दवा नहीं खा पाते गरीबी के कारण। हम बीमार पड़ते हैं तो दवा खा सकते हैं ठीक हो जाएं,
लेकिन दवा खरीदने के पैसे ही नहीं। ऐसे 84 करोड़ हैं भारत में लोग। हमारी भारत सरकार कहती है कि 120 करोड़ की आबादी में 84 करोड़ भारतवासी इतने गरीब हैं कि वो एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते, मात्र 20 रुपए भी नहीं है उनके पास। एक महीने में उनकी आमदनी 536 रुपए से कम है। ऐसे 84 करोड़ लोग हैं इस देश में। भैया फोन करना है तो पीछे जाइए, अगर आपको फोन पे बात करनी है तो पीछे, मेरे सामने बैठ के नहीं। सामने कोई भी बैठे तो प्लीज अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। हम 84 करोड़ भारतवासियों की गरीबी के बारे में सरकार कहती है कि वो इतने गरीब हैं कि कोई दवा नहीं खरीद सकते, पैसे ही नहीं उनके पास। ना वो एलोपैथी की दवा खरीद सकते हैं, ना आयुर्वेद की खरीद सकते हैं, ना होम्योपैथी की। बहुत गरीबी है, पेट भर के खाना भी नहीं मिलता उनको, तो 84 करोड़ लोगों को। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है देश में, और इस गरीबी के कारण बहुत सारे लोग बिना दवा के मर जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता उनका। और ये गरीबी पिछले 64 सालों से बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। आजादी आई तब भारत में 5 करोड़ लोग गरीब थे 1947 में, अब 84 करोड़ हो गए। मानो गरीबी हमारी करीब 16 से 17% के बीच में बढ़ गई, जबकि जनसंख्या हमारी सिर्फ 3 गुनी बढ़ी है। जब हम आजाद हुए थे तो 33 करोड़ की आबादी थी, अब हम 120 करोड़ हैं, तो लगभग 3.5 गुनी जनसंख्या बढ़ी, लेकिन गरीबी 16 से 17 गुनी बढ़ गई है। जनसंख्या से भी बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ रही है, और ये खोरी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी। हमारे भारत में क्या होता है कि हम हर साल सरकार को टैक्स भरते और अपने जीवन के खून पसीने की कमाई से सरकार को हम टैक्स देते हैं, और टैक्स हम बहुत ज्यादा देते हैं। दुनिया में कोई देश के लोग इतना टैक्स नहीं देते जितना हम देते हैं। अमेरिका में हम जाएं, कनाडा में जाएं, ब्रिटेन में, फ्रांस में, कोई भी देश में चले जाएं, तो वहां लोग 2 या 3 तरह के टैक्स देते हैं। एक इनकम टैक्स होता है वहां पे, एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है, और कहीं कहीं किसी देश में लोकल टैक्स होता है। तो 2-3 तरह के टैक्स भरने पड़ते हैं दुनिया के सभी देशों में, लेकिन भारत में 64 तरह के टैक्स हमें भरना पड़ते हैं हर साल। हमारी आमदनी है उस पर हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह अगर हम कोई कंपनी चलाते हैं तो उसके लिए कॉरपोरेट टैक्स भरना पड़ता है। हम कोई सामान खरीदते हैं उस पर हमको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, उत्पादन कर देना पड़ता है, बिक्री कर देना पड़ता है, वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता है। सड़क पे चलते हैं तो रोड टैक्स देना पड़ता है, पुल पे जाते हैं। हमने एक दिन, मैंने क्या किया, जितने टैक्स हम देते हैं उसकी सूची बनाई, तो 64 तरह के टैक्स हम देते हैं। और ये टैक्स में हर साल हम सरकार को 8.5 लाख करोड़ रुपए दे देते हैं, केंद्र सरकार 8,50,000 करोड़, और फिर राज्य सरकार को अलग से देते हैं। हमारे यहाँ केंद्र सरकार अलग टैक्स लेती है, राज्य सरकार अलग लेती है, तो हम राज्य सरकारों को भी टैक्स देते हैं, फिर नगर पालिकाओं को देते हैं, नगर पालिका अलग से टैक्स लेते हैं, और कभी कभी तो जिला पंचायत और नगर पंचायतों को भी दे देते हैं, कभी ग्राम पंचायत भी ले लेती है। तो एक बार मैंने हिसाब निकाला कि सारे भारतवासी एक साल में 8.5 लाख करोड़ का टैक्स तो केंद्र सरकार को देते हैं, फिर राज्य सरकारों को, फिर नगर पालिकाओं को, सब अलग अलग टैक्स। एक आदमी साल में औसतन करीब 11 से 12 हजार रुपए टैक्स देता है, आप सब एक एक व्यक्ति, मैं भी शामिल हूं आप। हम टैक्स देते हैं, क्यों देते हैं, सरकार हमारी मदद करे। इसके मदद क्या चाहिए, हम बीमार पड़े तो हमारा इलाज हो जाए, चलने के लिए हमें सड़क मिले ठीक से, बिजली मिले, पानी मिले, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, रोजगार की व्यवस्था हो, इसीलिए टैक्स दे।